एंड वेलकम बैक टू माई चैनल फन विद लवू अनु। आई एम लवू एंड आपको पता है कि हैलोवीन वीक चल रही है, तो मैंने सोचा सारी यूट्यूबर्स हैलोवीन के लिए वीडियो बना रहे हैं, क्यों मैं भी ना बनाऊँ। तो अब मैं बनाने वाली हूँ अपनी सिस्टर को। टाइटल देख के समझ आ गया होगा। तो मैं अभी अपने इस प्यारी सी सिस्टर को कन्वर्ट करने वाली हूँ एक घोस्ट, यानी कि मतलब घोस्ट या स्केरी मेकअप में। तो इसके लिए मैंने अपनी मम्मा की मेकअप लिया है। पूछ के लेना अगर आप कर रहे हो तो, वरना डांट पड़ सकती है। तो मैं अनन्या का मेकअप करूँगी, अनन्या मेरा नहीं करेगी। मैं अनन्या के टू मेकअप करूँगी और बहुत ही इजी है। अगर आप किसी हैलोवीन पार्टी में जा रहे हैं तो आप वो मेकअप ले सकते हैं। और अभी ये मेरी प्यारी सी बहन है, इसका मेकअप वर्क करते हैं। आ जाओ जी, चलते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो फन विद लवू अनु को, और नोटिफिकेशन बेल भी बज कर दो ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए आपको पता चल जाए, यानी कि नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम लोग चलते हैं अनन्या का मेकअप करने। चलो, मेरी सेंसिटिव सुन रहे हो, उसके बहाने सेंसिटिव स्किन है। तो अब मैं लगा देती हूँ। मुझे मेकअप करना इतना नहीं आता, अगर मैं गलत करूंगी तो प्लीज माफ कर देना। बहुत वाइट कर दिया है। अब आप पास से देखो, ये देखो इतना पास से देखो, मेरी आईज इतनी वाइट लग रही है। हाँ, आईज इतनी वाइट लग रही है इसकी। तो अब तो गाइस, अब मुझे इसकी आंखों पर आईलाइनर लगाना है। सबसे डिफिकल्ट काम मिल गया है मुझे। तो लगाती हूँ मैं, मुझे पता नहीं है कौन सा लुक करती हूँ। इसका आईलाइनर मुझे नहीं पता कैसे लगाया, क्योंकि इसको हम स्केल लुक दे रहे हैं, तो जैसे लगाया वैसे ही बढ़िया है। थोड़ा सा ये वाली आई का खराब हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन स्केली लुक है। तो अब नेक्स्ट मैं इसको लगाऊंगी रेड नोज। तुम बनाते रेड नोज? रेड नोज, हाँ रेड नोज। तो लगाती हूँ इसको, बनाती हूँ रेड नोज। मुझे बहुत हंसी आ रही है इसका मेकओवर करते हुए। छोटी है तो थोड़ी और बड़ी कर देती हूँ। हाँ जी, बढ़िया एकदम। मुझे तो किस तरीके से जोकर लग रही है। हाँ, बना के रहे होंगे। तो मैंने इसका ये लुक कंप्लीट कर दिया है। अभी लुक कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने भी इसकी लिपस्टिक लगा दी है, ये देखिए, और बहुत ही प्रिटी लग रही है। तो अब मेरे को बनाना है इसका ऐसे, यहाँ से ऐसे करके कुछ ऐसे। ओह माय गॉड, क्या क्या थोड़ा सा मैंने खराब कर दिया, लेकिन हो गया ठीक। तो बनाती हूँ मैं इसको पूरा अच्छे से। तो अब मुझे क्या करना है, वही दोबारा से फेस पेंट लेके इसकी आउटलाइनिंग करनी है। मैंने आईज क्लोज, तो हाँ ऐसे करना है, करना है पहले। देन सेकेंड स्टेप से आते आते बहुत डिफिकल्ट है भाई साहब। ओके 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 ओके, आराम से, बहुत ही आराम से करें। और अब सेकेंड स्टेप है, इसको यहाँ से लेके काफी स्केरी लग रहा है। तो अब नेक्स्ट करके मिलती हूँ। तो गाइस, अब मैंने इसके दोनों में कंप्लीट कर दिया और ये था इसका पहला लुक। ये देख सकते हो, बहुत ही इजी है, आप कर सकते हो अगर आपको लास्ट मिनट में पार्टी जाना है। तो ये था फर्स्ट लुक। अब मैं मूव करते हैं नेक्स्ट लुक पे। मैं डर गई। जो है गाइस वो काफ़ी स्केरी नहीं होगा, थोड़ा सा स्केरी होगा और क्यूट भी होगा। नोज बना दिया ऐसे लगता है मैंने इसका किटी हेवन के साथ लगा दिया, इसके हेड पे मैंने अनन्या के हेड पे किटी हेवन लगा दिया है और ये बहुत ही क्यूट लग रहा है। ऑप्शनल है ये। मैं इसकी चीक्स पे ब्लशर लगाऊंगी यार, जिससे शाइन आ जाए। इसके विंग्स पे शाइन ला रही हूँ। मुझसे विंग्स नहीं बने थे इसलिए मैंने ये बना दी। मुझसे विंग इसलिए नहीं बने थे क्योंकि मैं अभी प्रोफेशनल नहीं हूँ मेकअप में, तो सॉरी मैं विंग्स नहीं बना पाई, लेकिन आप विंग्स बना सकते हैं। और शाइन ला रही हूँ मैं उसके फेस पे। पूरी शाइन आ गई है अच्छी वाली और अनन्या ने पाउडर भी दे दिया है, तो मैंने इसकी बना यही था सेकंड लुक। वो देख के बहुत ही मेरे को तो ऐसा लग रहा था, बहुत ही क्लीपी लुक है। और मैं केक बना रही हूँ आज हैलोवीन के लिए और कुछ छोटी सी सेलिब्रेशन होगी, बस केक कट होगा और बहुत ही फन होगा थोड़ा सा। और चलो मैं आपको लेके चलती हूँ, मैं अपने केक बनाने पर दिखाती हूँ मैं आपको। ये मम्मा ने रख दिया है और केक बनने के लिए, और ये केक बन रहा है। मैं आपको अपनी जैसे दिखाती हूँ। देखिए केक बन रहा है, पूरा एकदम पॉप आउट होने वाला है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है मेरे को तो अभी से ही। इसकी डेकोरेशन भी करूँगी तो अभी दिखाती हूँ, जब ये पूरा केक रेडी हो जाएगा। हैप्पी हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन।